वेलकम बैक टू माय चैनल अजरेंदी किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है रमज़ान स्पेशल ज़बरदस्त से चिकन पफ पेटीज़, जो कि हम आपको बहुत इजी वे में बनाना सिखाएंगे ताकि हर कोई आसानी से इसको बग़ैर ओवन के पतीले में बना सके और रमज़ान में एंजॉय कर सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने काउंटर को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, अच्छे से ग्रीस करना है। ये देखें बिल्कुल हमें, क्योंकि हम ये बनाने वाले हैं फ्रोज़न पराठे से। जैसे कि आप जानते ही कि फ्रोज़न पराठा फ़ौरन से जहाँ भी रखा जाए स्टिक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है, तो हम इसी वजह से इसको ग्रीस करें। और ये हमने कुकी कटर लिया है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी ग्लास या कटोरी लेकर उससे आप कट कर सकते हैं। ये देखें कितने आसानी से कट रहा है, और मैंने अभी भी इसको उठाकर जो है ग्रीसी वाली जगह पर रखा है ताकि ये चिपके नहीं, जो मैंने कट किया था वो स्लाइस। यहाँ हम जो है एक पर एक रखेंगे इस तरह से, और दो स्लाइस रखेंगे। उसके बाद हम इस पर जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया हुआ है थोड़े से अमाउंट में लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, या आपकी जितनी आप इसके रोटी का साइज़ लेंगे यानी पेटीज़ का साइज़ लेंगे उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टोटल मैंने 1 टेबल स्पून रखा है इस पर, और इसे अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। और एक दूसरा हम कुकी कटर ले लेंगे और उससे हम इस पर एक मार्क से डाल देंगे ताकि वो बनने के बाद खूबसूरत लगे। और ये जो मिक्सर हमने रेडी किया हुआ है, ये मैंने कल वाली रेसिपी में आपको दिखाया है, तो आपको लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगी लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से हमने इसको एक डिज़ाइन सा देना है। आप अगर ये ना हो तब भी बस इसके जो एजेस हैं थोड़ा सा उन्हें सेट कर दें, और बाकी जो हमारे पास पराठे के पीसेस बचे थे एक्स्ट्रा वो हमने जोड़कर वो सामने जो एक पीस रखा हुआ है रोटी का वो बना लिया था जो ट्रे में रखा हुआ है। उसके अलावा हमने एक और पराठा लिया, उसमें से हमने 4 पीस किए हैं और इनको हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद फिर थोड़ा सा अमाउंट लेंगे हम मिक्सचर का और इसको इस पर रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। बस इसकी टेक्निक ये है कि आपने एक एक करके ही पराठा फ्रीज़र से निकाल के लाना है, ये नहीं कि आपने काउंटर पे पूरा पैकेट रख लिया और वो मेल्ट होने लगा, क्योंकि वो फ़ौरन ही मेल्ट होने और जो है स्टिक होना यानी कि चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो हमने एक ही फ्रीज़र से निकाल के लाना है और उसको फिल करना है, फिर दूसरा निकाल कर लाना है। इसी तरह कीजिएगा। ये देखिए अभी से आप देख रहे होंगे स्टिक हो रहा है। यहाँ मैं एक जोड़ लगाते हुए एक और छोटा सा स्लाइस बना लूँगी, यानी कि इसी की साइज़ का, तो आप देखिएगा इजीली बन जाएगा। और ये इसको जो है बेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस आपने ये जो कटिंग वाला है जो मैं अभी बना रही हूँ इस स्लाइस को आपने हमेशा दरमियान में रखना है, ना नीचे वाले में रखें और ना ही ऊपर वाले में। ये देखें अब हम जो है इसमें रख देंगे और इसके ऊपर हम फिर लगा लेंगे, और बाकी भी मैं सारे रेडी करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये वही फिलिंग है जो कल हमने चिकन ब्रेड में की थी, ये वही मिक्सचर है। तो ये मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें बाकी भी रेडी हो गए। अब ये 4 पराठे लिए थे हमने, जिसमें से ये छोटा सा पीस बचा है, उसके अलावा जो है 7 हमारे ये पफ पैटीज़ बने हैं। अब यहाँ मैंने एक अंडे की जर्दी को बहुत अच्छे से बीट किया यानी फेंट लिया, एग वॉश कर दिया है। ये देखें कितने अच्छे अमाउंट में लगाया है, आप बिल्कुल इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। पतीले को हमने पहले से प्रीहीट होने रख दिया, ये वही पतीला है जिसमें आपने अक्सर मुझे केक बनाते हुए देखा होगा। तो बस हम ये मेरा बहुत शदीद गर्म था, मैंने ऐसे ही इसमें छोड़ दिया, इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट मैंने इसको जो है हल्की आँच पर रखा था, यानी कि दम वाली आँच पर। उसके बाद मैंने इस पर कपड़े से कवर करके इसको 35 मिनट्स तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाया है। थोड़ी देर लगती है, अगर आप इसको उसमें देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बस ये गर्म है, मुझे थोड़ी परेशानी से निकाला था मैंने, आप भी एहतियात से निकालिएगा। ये देखें अगर आप ओवन में बनाएंगे इनको तो तकरीबन 15 मिनट में ये बन जाएंगे 180 डिग्री पर।
ये देखें, एक एक लेयर देख लें आपकी, आप इसका कलर देख लें कितने खुशनुमा खूबसूरत लग रहे हैं, और खाने में भी ये इतने ही डिलीशियस होते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका कलर ऊपर से भी नीचे से भी, और बिल्कुल सिके हुए पके हुए, एक एक लेयर खुली हुई इसकी, तो कोई नहीं कह सकता कि ये हमने पतीले में बनाए। तो ये इसका फाइनल लुक है। एक मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी दिखाती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये हमारे जो पेटीज होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं होते, तो बिल्कुल उसी तरह से थे। और आज की मेरी छोटी सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।